यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करेंगे आप लोग। अरे फाइल पर जाएंगे और हमें क्या करनी है, ओपन करनी है क्या हमारी वाली कल की लिस्ट, क्योंकि हम उसे हमें कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी ये थी एक्सेल लिस्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे वंदना मार्कशीट बनाना बता रहे हैं, तो ये इतनी क्या थी, इतनी रह गई थी। आप लोगों को ये यहीं से कर दें कि स्टार्टिंग से बता दें, एक बार बता, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, वो भी कैच कर लेंगे। देखिए ये मार्कशीट है, जब भी हम किसी स्कूल में वर्क करते हैं तो मार्कशीट वगैरह बनाते हैं, यानी कि सारे टाइप्स हैं। हम पूरे बच्चों की मार्कशीट का जो मैटर होता है वो इसमें पहले से निकाल के रख लेते हैं, फिर जब मार्कशीट में यही सब आता है, हमें नंबर आते हैं, परसेंटेज आते हैं, डिवीजन आती है, ग्रेड आती है, और रिमार्क रहता है, सप्ली वगैरह आई भी नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो यहाँ पहले से निकालते हैं, यहाँ पर अपने स्कूल वगैरह का नाम डाल देना और यहाँ पे किस क्लास की मार्कशीट बना रहा है वो डाल देना। इसके बाद आप यहाँ पे काउंटिंग लिखते हैं, हमको काउंटिंग लिख लेना, फिर यहाँ पे आपके स्टूडेंट के नाम और रोल नंबर लिख लेना। अब आपको यहाँ पे नंबर लेने हैं, तो इतने सारे नंबर हम लिखने तो बैठेंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, एग्जाम्पल के लिए, अगर जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं तो आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, रैंक बिटवीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य में मतलब बीच में, हाँ एक वैल्यू दो वैल्यू के बीच में। शिफ्ट के साथ नाइन से शिफ्ट बटन होती है उसमें कीबोर्ड में, उस वाले की के साथ आप नाइन प्रेस कर देंगे तो आपका ब्रैकेट खुल जाएगा। अब आपको वो नंबर डालना है जितना सबसे बच्चा सबसे कम ला सकता है, तो फेल तो अपन हमारे यहाँ किसी को नहीं करेंगे, इसलिए हम 33 नंबर ले लेंगे। आप कॉमा लगाएंगे और हाईएस्ट नंबर, यानी कि बच्चे 99 तक लाते हैं तो 99 दे देंगे, और शिफ्ट के साथ जीरो से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अभी आपका एक नंबर आ गया, फिर आपको ये पॉइंट दिख रहा है ग्रीन वाला, इसके पास आप अपना कर्सर लेकर जाएंगी तो ये प्लस का साइन जो व्हाइट कलर का था ये डार्क ग्रीन कलर में पतला सा होगा, इसे आप यहाँ से ड्रैग कर देना। शिफ्ट के साथ जीरो से ब्रैकेट क्लोज होगा वो, इसके बाद आप इसे यहाँ पे वापस यहाँ पे करके और इस साइड पे ड्रैग कर लेना। यहीं तक थे छह सब्जेक्ट यहीं पे। अब क्या हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे एक नंबर चेंज करते हैं, 77 को 85 करते हैं और एंटर करते हैं, तो ये सारे नंबर चेंज हो रहे हैं, हमें क्या करना है, ये सारे नंबर चेंज नहीं करानी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से लेके संस्कृत तक के टोटल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट के ड्रॉप डाउन पर जाकर पेस्ट वैल्यूज लिखा है इसके फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देंगे। अब अगर हम क्या करते हैं, ये नंबर चेंज करते हैं इधर, तो जैसे कि अब हमें इसे बढ़ाना है तो हम इसे बढ़ा देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये कोई नंबर चेंज नहीं हुआ इधर का, इधर क्यों हुआ, क्योंकि इधर फॉर्मूला लगा था। अब आपको इनका टोटल निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करना, इन्हें यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना और ये ऑटो सम है इस पर क्लिक कर देना, ये टोटल हो जाएंगे। इसके बाद हम इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ये सारे के टोटल हो गए। क्या करना पड़ा, वरना हमें वैसे बहुत मदद लगती है, लेकिन अभी क्या होगा, सारे एक साथ में टोटल होगा। अब इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो इक्वल लगाएंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके कितने हैं, ये टोटल वाले, डिवाइडेड बाई कितने, टोटल मार्क्स, टोटल कितने हैं, 6 पेपर है, यानी कि 600 नंबर, और इंटू 100। 100 का इंटू आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, इफेक्ट परसेंट पे नहीं पड़ेगा। आप लोग फोन चला रहे हैं, एंटर कर देंगे, इसके बाद इसे ड्रैग कर देंगे। तो हमें करना क्या है, केवल एक की परसेंट निकालनी है, बाकी की अपने आप निकल आएंगे। इक्वल लगाएंगे, टोटल नंबर्स लेंगे, डिवाइड कर देंगे 600 से और इंटू कर देंगे 100 से। ये है, ये जे वाला कॉलम है और 5 क्यों लिखा है, क्योंकि फिफ्थ वाली रो का फर्स्ट नंबर लिया है, इसलिए सेल एड्रेस लेते हैं। तो अगर वो ना लिखे आप तो डायरेक्ट आप क्लिक कर देंगे तो वो खुद ही ले लेगा। इसके बाद आपको डिवीजन निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि आप इक्वल लगाएंगे, इफ लिखेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे,
परसेंटेज का सेल एड्रेस लेंगे। के वाला कॉलम है इसलिए के, और फिफ्थ वाली रो है इसलिए फाइव, के फाइव लिया है। ग्रेटर देन का साइन लगाकर इक्वल लगाएंगे, यानी कि 65 बराबर या फिर उससे बड़ा जब होगा तो हमें कौन सी ग्रेड देनी है, फर्स्ट ग्रेड देनी है। तो आप फिर से कॉमा लगाएंगे, इफ लगाकर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कर देना, फिर से परसेंटेज का सेल एड्रेस लेना, ग्रेटर देन का साइन लेना, इक्वल लेना, और आपको नेक्स्ट नंबर जो देना है। तो हमने पहले 65 दिया था और 45 दिया है, इसके बाद कॉमा लगा के डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख देना सेकेंड डिवीजन। फिर कॉमा लगा के यही वाला थर्ड टाइम रिपीट कर देना, इफ लगा के शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करना, परसेंटेज का सेल एड्रेस लेना, कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा में थर्ड ग्रेड लिख देंगे, यानी कि थर्ड डिवीजन। इसके बाद जितनी बार ब्रैकेट आपने क्लोज किया, बंद ओपन किया था, उतनी बार आपको क्लोज करना है, और आप एंटर कर देंगे तो आपकी डिवीजन सब में निकल आएगी। अब जैसे एक बार आपने ये फॉर्मूला लगा लिया, बार बार आप ऐसे नहीं लगाना चाहते, और हमने ये ग्रेड नहीं निकालनी है, जैसे कि हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं और पूरे इन्हें भी हटा देते हैं। हमने क्या करा, डिवीजन का फॉर्मूला ये लगा लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे यहाँ से फॉर्मूला बार से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद आप उसमें बिना कोई चेंजेस करे ग्रेड पे आ जाना, और फॉर्मूला बार में ही इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। अब ये जो फर्स्ट था, फर्स्ट की जगह आपको ग्रेड देनी है तो आप क्या लिख देंगे, ए। सेकेंड की जगह भी आपको ग्रेड देनी है तो सेकेंड आने पर कौन सी ग्रेड होती है, बी, और थर्ड आने पर कौन सी ग्रेड रहती है, सी। इतना सा चेंज करके और बस एंटर, इसके बाद आप इसे ड्रैग कर देना, इतनी मेहनत पूरी बच जाएगी, बस एक बार टाइप करना पड़ेगा। हट गया, खींच लिया। उनका एक्सीडेंट हुआ, पैर में फ्रैक्चर है। सीपीसीटी कर रहा है। या भी क्या है, ये कोने में आ रहा है, आपको ये सेंटर में लाना है। तो आप इस वाले पर यहाँ से सेंटर में क्लिक कर देना और यहाँ से भी सेंटर में क्लिक कर देना। अभी सेंटर में अलाइनमेंट आ गई, तो अब देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये कंप्लीट होने के बाद फिर अपन कलर को यूज कर लेना। अब ग्रेड हो गई, इसके बाद रहती है सप्ली आई की, नहीं आई स्टूडेंट की है ना। तो आप क्या करेंगे, क्या अपन लगा देंगे रोहन भैया? अच्छा, आपको ये देख के याद आ गई उनकी, क्या वो नंबर के अपन कर देंगे कम। अब आप यहाँ पे सप्ली का वो लगाएंगे, जैसा मैंने यूट्यूब पर देखा है, ये लैंग्वेज है, यहाँ से चेंज कर ले। हमने भी स्मॉल में ही लिखा था जैसे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर देंगे। अब आपको सप्ली पता करनी है किसी स्टूडेंट की है या नहीं है, ठीक है? तो अब हम आ जाइए, कोई बात नहीं। अभी ये निकाला है फॉर्मूला हमारा, ऑलरेडी इसमें क्या था, अप्लाई था, ये सब कुछ आ गया। अब इसमें ये क्यों आया है, ये क्योंकि हमने इससे नीचे वाले कोई परसेंट दी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे फॉल्स रखा है। तो अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, फेल लिखना है, तो आप ये थर्ड के बाद क्या करेंगे, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद कॉमा लगाना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना फेल,
डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना और एंटर कर देना।